नमस्कार बच्चों, हम अभी सीख रहे हैं आ की मात्रा। सबसे पहले हमने सीखा वर्णों में आ की मात्रा किस प्रकार जोड़ा जाता है। जैसे क, क में आ की मात्रा का, ख, ख में आ की मात्रा खा। फिर उसके बाद हमने सीखा दो वर्णों वाले शब्द जिसमें आ की मात्रा किस प्रकार लगाया जा सकता है। अ जमा आ बन गया आ, जमा म, म आम, क जमा आ बन गया का, जमा र कार। इसी प्रकार आज हम सीखेंगे तीन वर्ण और चार वर्णों में आ की मात्रा जोड़कर हम किस प्रकार लिख सकते हैं। जैसे यह है गाजर, ग, ग में आ की मात्रा गा, ज, र, गाजर। दवात, द, व में आ की मात्रा वा, त, दवात। इसी प्रकार हम लोग चार अक्षर के जोड़कर आ की मात्रा वाले शब्द भी बनाएंगे। जैसे हमने लिखना है फाटक, हम किस प्रकार लिखेंगे। पहले लिखेंगे हम फ, फ में आ की मात्रा फा, फिर ट, फिर क, ये बन गया फाटक, फाटक। अब हम लिखेंगे लड़का, ल जमाना का, का किस प्रकार लिखेंगे। पहले हम लिखेंगे क, फिर उसके बाद आ की मात्रा, बन गया लड़का। अब लिखेंगे हम च लाना, च लाना, च ला, ला किस प्रकार लिखेंगे। पहले हम लिखेंगे ल, उसके बाद आ की मात्रा, फिर लिखेंगे न, आ की मात्रा, और बन गया च ला ना। ये हुए तीन वर्णों वाले शब्द। अब कुछ हम चार वर्णों वाले शब्द लिखेंगे। जैसे टमाटर, ट, ट, मा, मा कैसे लिखेंगे। पहले हम लिखेंगे म, फिर आ की मात्रा, ट मा, फिर आएगा ट, फिर र, बन गया ट मा ट र, टमाटर। अच्छा, हम लोग स्कूल कहते हैं, आपको पता है हिंदी में एक और शब्द है स्कूल को हम लोग कैसे कहते हैं। पाठशाला, पाठशाला, पाठ। पहले लिखेंगे प, फिर आ की मात्रा, बन गया पा, ठ, पाठ, शा, शा, श। पहले लिखेंगे श, श, शा, कैसे बनाएंगे, आ की मात्रा। फिर ल, ला, ल में आ की मात्रा, तो क्या बन गया। अब हम यहाँ लिखेंगे पाठ, पाठ, शा, ला, पाठशाला। ये देखिए, हमने लिखा फाटक, लड़का,